ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज का हमारा अध्याय है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के अंदर हम जो चीजें सीखने वाले हैं उसमें पहली है थीम बदलना, दूसरी है डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदलना और तीसरी है स्क्रीन सेवर बदलना। सबसे पहले हम सीखते हैं डेस्कटॉप की थीम बदलना। विंडोज की बनावट को अपने हिसाब से बदलने के लिए आप डेस्कटॉप थीम का प्रयोग कर सकते हैं और उसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं। उसके बदलने पर जिस तरह से आपकी विंडोज़ दिखाई देती हैं, जैसे अभी ये जो है ये विंडोज़ की थीम है जो डिफ़ॉल्ट पर सेट रहती है। अब इसमें आप देख रहे हैं नीचे नीली पट्टी है, इस तरह का इस पर पिक्चर है, आइकॉन्स इस तरह के नज़र आते हैं। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो उसके लिए डेस्कटॉप की जो खाली एरिया है उस पर जाकर के राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करते ही एक मेन्यू आपके सामने आ जाता है जिसमें सबसे नीचे है प्रॉपर्टीज़, इसे आप लेफ्ट क्लिक करें। अब आपके सामने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज टाइटल बार पर लिखा हुआ है। इसमें यहाँ ये जो नीली पट्टी है इसके नीचे देखिए कुछ अलग अलग टैब्स हैं। इसमें सबसे पहला जो टैब है वो है थीम के लिए, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही जो आपकी करंट थीम है यानी इस समय जो थीम है वो यहाँ पर आ गई। इस समय जो कंप्यूटर पे हमारी थीम सेट है वो है विंडोज़ XP। अब अगर आपको थीम चुनना है तो आप यहाँ पर जाकर के क्लिक कीजिए, जो थीम्स यहाँ हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। इसमें विंडोज़ XP और विंडोज़ क्लासिक ये दो थीम्स आपके सामने हैं। विंडोज़ XP इस समय सेट है, आप बदलकर विंडोज़ क्लासिक अगर करना चाहते हैं तो उस पर पॉइंटर रखें और उसे क्लिक करें। अब आप यहाँ इस एरिया में देख सकते हैं कि किस तरह से आपके कंप्यूटर पर यह थीम सेट होने के बाद नज़र आएगी। इसे नीचे जाकर के तीसरा जो बटन है वहाँ पर अप्लाई कर दें। अब ये आपको दिख रहा है किस तरह से अगर आप इस थीम को चुनते हैं तो वो कैसी दिखाई देगी। आप देख सकते हैं नीचे की जो नीली पट्टी थी वो अब सिल्वर हो गई है और आइकॉन्स का दिखने का तरीका और नीचे के जो बटन्स हैं वो सब आपको अलग तरह से नज़र आ रहे हैं। स्टार्ट बटन जो हरा होता था वो अब बदल गया है। ये पूरी सेटिंग आपकी चेंज हो गई है। अब अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो ओके कर दीजिए और ये आपकी सेटिंग बदल गई। अब हम सीखते हैं डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदलना। ये जो तस्वीर आपको पीछे नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन पर, ये है डेस्कटॉप। इसका ये जो बैकग्राउंड है इसमें आपको बादल दिख रहे हैं और हरी घास नज़र आ रही है, ये इसका बैकग्राउंड है। इसको अगर आप बदलना चाहते हैं और इसे अपने कंप्यूटर पे काम करने को आप ज़्यादा रुचिकर बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन को ज़्यादा आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो आप इसका बैकग्राउंड बदल सकते हैं। इसके लिए आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करते ही आप देखेंगे कि एक मेन्यू लिस्ट आपके सामने आ गई। सबसे नीचे जाइए प्रॉपर्टीज़ पर, लेफ्ट क्लिक कीजिए। डेस्कटॉप का दूसरे नंबर का टैब है, इसे आप क्लिक करें। नीचे देखेंगे कि आप बैकग्राउंड्स की एक लिस्ट है, इसमें आपको जो भी बैकग्राउंड चूज़ करना हो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और वो बैकग्राउंड कैसा दिखेगा वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इस समय जो बैकग्राउंड सेट है वो है ब्लिस। मान लीजिए हमने पहला बैकग्राउंड क्लिक किया वो इस प्रकार का दिखेगा। अब इस तरह से आप इसमें देखते जाएं और जो बैकग्राउंड आपको पसंद आता है, जो आप अपने डेस्कटॉप पर चाहते हैं उसे आप चूज़ कर सकते हैं। स्क्रॉल बार को आप अपने पॉइंटर की मदद से ऊपर या नीचे कर सकते हैं और जितने भी बैकग्राउंड्स इसमें दिए हुए हैं वो सारे आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपने पर्पल फ्लावर यूज़ किया, आपको देखने पर अच्छा लग रहा है और आप इसे अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर डालना चाहते हैं, इसे आप क्लिक करके चूज़ कर लीजिए और अगर आप इसको लेना चाहते हैं अप्लाई कीजिए। आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर ये इस तरह से नज़र आ रहा है
और ओके कर देने पर आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदल जाएगा। आइए अब सीखते हैं स्क्रीन सेवर को बदलना या स्क्रीन सेवर मोड पर कंप्यूटर को डालना। स्क्रीन सेवर वो चलती हुई पिक्चर्स होती हैं जो कुछ समय के लिए अगर आप अपना कंप्यूटर इस्तेमाल न कर रहे हों तो वो आपकी स्क्रीन पर आ जाती हैं। और इसका इस्तेमाल खासतौर पर हम तब करते हैं जब आपको कुछ समय के लिए कंप्यूटर पर काम करना बंद करना हो। मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर पर बहुत सारे प्रोग्राम्स खोल कर रखे हैं और 10 मिनट के लिए आपको ब्रेक लेना है या किसी वजह से दूसरा काम करने के लिए जाना है, पर आप अपने सिस्टम को बंद नहीं करना चाहते, 10 मिनट बाद आपको वापस काम पर लगना है, ऐसे में आप स्क्रीन सेवर मोड पर इसे डाल सकते हैं जिससे कि जो फाइल्स जो प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर पर खुले हुए हैं वो नज़र नहीं आएंगे, उसकी जगह स्क्रीन सेवर आ जाएगा। आइए देखते हैं किस तरह से स्क्रीन सेवर डाला जाए। इसके लिए डेस्कटॉप के खाली एरिया पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पर जाएं, सबसे नीचे का ऑप्शन उसे क्लिक करें। पहला टैब है थीम्स का, दूसरा डेस्कटॉप का और तीसरा टैब स्क्रीन सेवर का है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आप यहां देखेंगे स्क्रीन सेवर ऑप्शन आपके सामने है। इस एरिया पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी स्क्रीन सेवर्स की जो कि मौजूद हैं आपके कंप्यूटर में। इसमें से जो भी स्क्रीन सेवर आपको पसंद हो उस पर आप क्लिक करें और वो कैसा नज़र आने वाला है वो आपको यहाँ इस छोटे से कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगा। मान लीजिए ये आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप दूसरा चुनें, वो कैसा नज़र आएगा ये आपको इस पर दिख जाएगा। और अगर आप इसे अपने पूरे स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो आप राइट हैंड साइड पर जाएं, यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रीव्यू, आप इसको क्लिक करें, यह आपको पूरे स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा कि वो कैसा दिखेगा। अब अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे वापस क्लिक करें, वापस आप उसी जगह आ जाएंगे। फिर आप नीचे जाएं, यहाँ पर दिया है वेट, इसमें आप वो टाइम सेट कर सकते हैं जितनी देर के बाद आप स्क्रीन सेवर को अपनी स्क्रीन पर लाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि 5 मिनट बाद स्क्रीन सेवर आपकी स्क्रीन पर आए, तो आप ये ऊपर के एरो पर जाएं और टाइम को बढ़ा सकते हैं, जितना टाइम आपको करना है वो कर सकते हैं। नीचे के एरो से आप टाइम घटा सकते हैं, मान लीजिए आप 5 मिनट चाहते हैं तो इसे 5 मिनट पर सेट करें और फिर अप्लाई कर दें। अब इसे ओके कर दें और अब जो समय आपने निर्धारित किया है उतने समय तक आप कंप्यूटर पर कोई कार्य नहीं करेंगे तो अपने आप आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर स्क्रीन सेवर आ जाएगा। और अब अगर आप वापस अपने कंप्यूटर पर काम करना चाहते हैं और उस पर स्क्रीन सेवर चल रहा है तो उसे हटाने के लिए बस आप अपने माउस को थोड़ा सा हिला दें या कीबोर्ड पर कोई सी भी की दबा दें, स्क्रीन सेवर आपकी स्क्रीन से चला जाएगा और आपका कंप्यूटर वापस उसी स्थिति में आपको दिखाई देगा जिस स्थिति में आप उसे छोड़कर गए थे। आज का हमारा अध्याय था डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के अंतर्गत सबसे पहले हमने सीखा थीम बदलना, फिर सीखा डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदलना और अंत में हमने सीखा स्क्रीन सेवर बदलना।